नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको एक ऐसे पंचायत की चर्चा लेकर के आया हूं जिस पंचायत पर एक ही परिवार के लोग तकरीबन 20-25 वर्षों से अपना दबदबा बनाए हुए हैं। आखिर इस दबदबा के खिलाफ लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन जीत उसी परिवार के सदस्यों की होती है। उस परिवार के चाहे कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी हैं तो वो जीतेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साहेबपुर कमाल प्रखंड के सनहा पूर्वी क्षेत्र का। जी, ये वो पंचायत है जहाँ काफ़ी लंबे समय से एक ही परिवार का आधिपत्य है। अब सवाल उठता है कि अगर यह परिवार लोगों के काम पर खड़े नहीं उतरता है, लोगों के लिए खड़े नहीं उतरता है, तो लोग इस परिवार के प्रतिनिधि पर भरोसा कैसे कर लेते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं पूर्व मुखिया मुनमुन झा जी के परिवार की। जी हां, ये सनहा पूरब है और सनहा पूरब में लगभग 15 वार्ड हैं और इस 15 वार्ड में 9 मुखिया के प्रत्याशी हैं, जिसमें कई ऐसे पूर्व के प्रतिनिधि भी मुखिया के लिए नामांकन किए हैं, जिसमें पंचायत समिति राम प्रवेश, पूर्व सरपंच, निवर्तमान सरपंच आप कहिए, धर्मेंद्र झा सहित सिर्फ इस 9 कैंडिडेट में ऐसे एक ही महिला कैंडिडेट है, जुगनू देवी, जो पहली बार चुनाव लड़ रही है। बाकी के 8 कैंडिडेट पुराने ही हैं। मैंने जब उन लोगों से, कुछ प्रत्याशियों से हमारी बातचीत हुई उस पंचायत में, और पंचायत में जब बातचीत हुई तो मैंने पूछा कि आपकी नज़र में इस पंचायत की 3 प्रमुख समस्याएं क्या हैं, तो जो जवाब आया है वो भी विचार करने योग्य और सुनने योग्य भी है। सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि निवर्तमान सरपंच, जो कि अभी मुखिया प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र झा ने क्या कुछ कहा है अपने पंचायत में 3 बड़ी समस्याओं को लेकर के। पंकज जी, सबसे पहले मैं अपने सनहा पूरब पंचायत के तमाम नागरिकों की तरफ से आपके बीटी न्यूज का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं कि आप हमारा साक्षात्कार लेने के लिए यहाँ तक कष्ट किए। मैं तमाम पंचायतवासियों की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ तक पंचायत की समस्याओं की बात है, तो सबसे प्रमुख और प्रबल समस्या तो इस पंचवर्षीय में रहा कि पंचायत राज अधिनियम का यहाँ पर वर्तमान मुखिया के द्वारा धज्जी उड़ाई गई। पंचायत राज अधिनियम में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक 3 महीना पर आम सभा होनी चाहिए। आम सभा ही एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पर आम जनता अपनी समस्याओं को रख सकता है, लेकिन वर्तमान मुखिया के द्वारा जनता का अपमान किया गया, उन्हें जो है आम सभा में एक बार भी नहीं बुलाया गया और इस प्रकार मनमाने तरीके से तमाम योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ शिक्षा की है। आज प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा का स्तर एकदम निम्न स्तर पर चला गया है। कोई जनप्रतिनिधि उसका देख रेख करने वाले नहीं है। जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है वह अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षक कब आते हैं, कब चले जाते हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल नल की है। आज जल नल योजना जो है हमारे पंचायत के बहुत ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। जो सड़कें थी उसको जल नल के माध्यम से तोड़ दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका जो है निर्माण नहीं किया गया, उसमें अभी तक सुधार नहीं किया गया है। तो ये थे धर्मेंद्र झा, निवर्तमान सरपंच। अब हम आपको पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम प्रवेश की भी बात सुनाता हूं कि राम प्रवेश के विचार में आखिर 3 समस्या क्या कुछ है। हमारे सनहा पूरब पंचायत की जो समस्या है, जो कि आज तक कभी भी आम सभा नहीं लगा, जो कि हमारे जनता के बीच एक उत्सव चीज है, जो जानकारी आम सभा से जानकारी मिलती है और पूरे समाज को जो है उससे सुविधा और लाभ मिलती है सरकार के द्वारा, जो कि वो बात अभी तक किसी को बताया नहीं गया है। आम सभा लगा ही नहीं, किसे आम सभा कहा जाता है आज तक जनता को पता ही नहीं। दूसरी समस्या ये है
कि सरकार ने हमें जो आवास दिया वो आवास में दलाली घुस लिया जाता है, जो कि इसमें एक पैसा लेने की अधिकार नहीं है। सरकार ने हमें जागरूक करने के लिए दिया जो हमारे समाज गरीब नहीं हो उसे। आप इस चीज को मानते हैं कि जिन्हें आवास योजना मिलती है जी उनका घर बनता भी है जी? किसी को ऐसा है कि पैसा लेकर भी घर नहीं बनता है? नहीं बनता जी, बिल्कुल ये सत्य बात है। पैसा लेकर भी जो है घर नहीं बनता है। आखिर क्यों हमारे समाज में इस तरह से भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? और हमारे जो पंचायत में है स्कूल, शिक्षा की कमी है, जो कि शिक्षा की ओर हमें सबसे पहले कदम आगे बढ़ाना चाहिए। स्कूल को देख रेख करना चाहिए कि हमारे समाज में बच्चे जो सरकार ने पोषाहार दिया है उस पर नियंत्रण करना चाहिए। और आज तक कभी झांक कर भी नहीं देखा है कि हमारे स्कूल में क्या चीज हो रहा है, क्या चीज का कमी है, बच्चा एक ड्रेस में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब देखना जिम्मेवारी होता है एक प्रधान की। जो प्रधान इस गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे समाज को जो है आगे की ओर बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है, एक दूसरे के साथ इधर से उधर उधर से उधर मैंने लड़ाकर हमारे समाज को फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि मैं ये वादा करता हूं कि हम फोड़ना नहीं चाहते, हम जोड़ना चाहते हैं कि एकजुट रहे, एकजुट बनकर रहे समय, जो कि हमारे समाज की तरक्की हो उसके आगे से आगे बढ़ाने का हम चेष्टा और प्रयास और कोशिश करेंगे। हमारे ये सनापुरी पंचायत की जनता जो है, जनता की अगर दुआ आशीर्वाद रहा तो हम उनके साथ जांग से जांग मिलाकर एनी टाइम एक कदम आगे बढ़ूंगा। यही मेरा प्रस्ताव है और यही मेरा कहना है। इसी पंचायत के एकमात्र महिला कैंडिडेट जो कि महिलाओं की ताकत को उभारने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, इस पंचायत को नशा मुक्त बनाने की शपथ लिए हुए हैं, मैं बात कर रहा हूं जुगनू देवी का, जो कि पहली बार चुनाव लड़ने आई हैं। हालांकि इनके नॉमिनेशन में काफ़ी अच्छी भीड़ भी देखी गई थी और ये महिलाओं को अपना आधार बना करके चुनाव मैदान में हैं। पहले तो आपके बीटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेशमुख छाए। रही बात सन्हा पूरब की, मुख्य तीन उद्देश्य, तीन समस्या सॉरी। तो पहला समस्या सर ये है कि मेरे सन्हा पूरब पंचायत में सबसे ज़्यादा परेशानी है सर, क्या कहें, नशा का। नशा मुक्त हम चाहते हैं कि नशा में अनेकों तरह की आती है नशा। और दूसरा समस्या है ये मेरे समाज में, मेरे पंचायत में नाला लेकर के जल जमाव है और गंगा जी तो उस पार में आते हैं और मेरे पंचायत के जगह जगह पे जहाँ भी देखिएगा नदी, पोखर, तालाब बना हुआ है। रोड तो बन जाती है, नाला पानी बहाव का कोई साधन ही नहीं है सर। और तीसरा समस्या है कि शिक्षा, रोटी कपड़ा और मकान से कहते हैं और साथ में शिक्षा और सम्मान हमारे पंचायत का के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जीरो लेवल पे है, जहाँ भी गली गली घूमते हैं छोटे बच्चे लोग को भी देखते हैं कि पढ़ाई का कोई सिचुएशन नहीं है, जगह जगह पे देखे ताश पत्ती खेलते हुए छोटे बच्चे लोग को, ये सब देख करके हमें अच्छा नहीं लगा। और हम पिछले 11 महीने से हम अपने पंचायत में घर हर घर जा करके हर समस्या को देखते हुए हम अनुभव कर रहे हैं अपने आप में कि जब हम उन लोगों को देख करके हमें दुख हो रही है तो उन लोगों के साथ उनका कष्ट कितना है, जो झेल रहा है उन्हीं को पता होगा, क्योंकि मैं जी रही हूँ पिछले 11 महीने से हम उन लोगों को हर दुख सुख देख करके जी रही हूँ उनके साथ। बहुत ऐसा जी के बहुत तरह का है, मुख तो ही तीन हुआ, ऐसा ऐसा बहुत सारा ही है कि गिनती नहीं कर पाते हैं। क्या कहें, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं हमारे पंचायत में कि उनका दर्द दुख मैंने किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला, उनको देख करके हमारा मुंह बोलती बंद हो जाती है कि हम क्या बोलें, कहाँ से सवाल करें उन लोगों से। देखना होगा कि महिलाओं का रुझान आखिर अपनी ही महिला कैंडिडेट जुगनू देवी के प्रति कैसा होता है। हालांकि निवर्तमान मुखिया अभिनय रंजन झा से हमने टेलीफोन पे बात किया कि आप अगर इस विषय में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर हूं, मैं आऊंगा तो मैं बात करूंगा। समस्याएं तो जब तक जीवन है
तब तक समस्याएं हैं और जब जीवन नहीं रहेगा तो कोई समस्या नहीं है। पंचायत है, परिवार में भी समस्याएं होती हैं, ये पंचायत है। लेकिन एक बात है जो लोगों ने बड़ी मुस्तैदी से उठाया है, देखना ये होगा कि जो बिंदु हैं शिक्षा से संबंधित और नशा से संबंधित, इन दोनों बिंदुओं को लोग किस तरीके से अपने नज़रों में रख पाते हैं। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।